नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल संस्कृत सरस्वती पर। मैं रामकुमार शास्त्री आज एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं रीट भर्ती परीक्षा से जुड़ी एक बड़ी खबर के साथ। दोस्तों, अभी कुछ देर पहले जी न्यूज़ के चैनल पर दिखाया गया है कि राजस्थान के बेरोज़गार रीट भर्ती परीक्षा की थर्ड वाली वेटिंग लिस्ट के लिए प्रयासरत थे, संघर्षरत थे, लेकिन उनको एक बड़ा झटका लगा है। राजस्थान निदेशालय बीकानेर ने अभी एक नोटिफिकेशन के माध्यम से ये बताया है कि जिस रीट भर्ती परीक्षा 2018 में लेवल 2 के लिए 3,500 पोस्ट खाली हैं और उन पोस्ट को भरने के लिए राजस्थान के बेरोज़गार युवा बार बार प्रयास कर रहे हैं। दो वेटिंग लिस्ट निकाली भी गई, कई सारे बेरोज़गार साथियों को, बंधुओं को पोस्टिंग भी मिली है, यानी उनका सिलेक्शन भी जो है हुआ है, उससे उम्मीद जगी है और एक अच्छी बात भी है कि बेरोज़गार बंधु को रोज़गार मिले। वेटिंग लिस्ट निकलने से जो पद रिक्त रहने की संभावनाएं रहती हैं वो पद भी भर जाते हैं, शिक्षा विभाग को भी अच्छे कर्मचारी जो है मिल जाते हैं और बेरोज़गार युवा साथी को रोज़गार भी मिल जाता है। लेकिन आज निदेशालय के द्वारा जो सूचना जारी की गई वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण रही कि हमारे राजस्थान बेरोज़गार युवाओं को उम्मीद थी कि 2018 रीट भर्ती परीक्षा के लेवल 2 में दो वेटिंग लिस्ट के बाद भी 3,500 पद जो खाली हैं वो भरने की उनको उम्मीद थी कि हो सकता है थर्ड लिस्ट भी जारी हो, लेकिन आज निदेशालय बीकानेर ने ये कहकर स्पष्ट कर दिया कि अब रीट भर्ती परीक्षा 2018 से संबंधित थर्ड वाली वेटिंग लिस्ट, तृतीय जो वरीयता सूची है, वो जारी नहीं होगी। अतः राजस्थान बेरोज़गारों के लिए बड़ा झटका है। साथियों, प्रयास रखें, आप ही के प्रयासों और संघर्षों से पहले भी दो वेटिंग लिस्ट निकली हैं और कई सारे युवा साथियों को रोज़गार मिला है। मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं, आप संघर्ष और अपना प्रयास जारी रखेंगे तो राजस्थान सरकार आपकी बात को सुनेगी, राजस्थान निदेशालय आपकी बात को सुनेगा और 3,500 जो पद खाली रह जाने हैं उन पदों के स्थान पर अपने युवा साथियों को रोज़गार मिलेगा। मैं समझता हूं सरकार हमारी बातें सुनती हैं, आप प्रयास करेंगे तो इस बात को भी आपको सुनेगी। राजस्थान हाई कोर्ट आपसे पहले भी आपके साथ था और इस भर्ती परीक्षा में यदि इसके माध्यम से आप तृतीय लिस्ट के लिए भी लड़ेंगे, बात करेंगे, संवाद स्थापित करेंगे तो राजस्थान हाई कोर्ट आपके साथ फिर आपका साथ देगा। उम्मीद करते हैं आने वाले टाइम में निदेशालय वापस अपने शब्दों को लेगा और राजस्थान के 3,500 बेरोज़गार युवा जिनको आवश्यकता है इस पद की, नौकरी की, और उम्मीदें हैं कि थर्ड वरीयता सूची यदि आ जाती है तो हमारा भी सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप करते रहिए प्रयास। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, हम सब आपके साथ हैं। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जिससे कि जो जितने भी भर्ती परीक्षा से संबंधित वीडियो हैं वो मैं आप तक पहुंचा सकूं। ये प्रयास आपके सवालों के जवाब के लिए है। मैं चाहता हूं कि आपके मन में जो भी शिक्षा विभाग से, शिक्षक भर्तियों से संबंधित, संस्कृत भर्ती परीक्षाओं से संबंधित सवाल हों तो मैं उनका जवाब दे सकूँ। तो दोस्तों, नई नई जानकारी के लिए, नई नई सूचनाओं के लिए आप अपडेट रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद आप सभी का। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।